तो चलिए गाइज, अब यहाँ की आपको नाइट लाइफ एक्सप्लोर करवाते हैं और चलते हैं पहले एक यहाँ पर, और अभी नाइट में हम यहाँ की नाइट लाइफ इंजॉय करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे होटल के नीचे का रोड का नज़ारा। देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटे और बड़े बार से अवेलेबल हैं। देखिए अब देखिए छोटे बड़े काफ़ी बार यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए और अब से एक से दो घंटे बाद यहाँ पर पूरा माहौल आपको चेंज मिलेगा, और हम भी एक दो घंटे बाद ही आएंगे। हम पहले ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर लेके आएंगे, और मे भी हम आज रात की पार्टी यहीं पर करेंगे। और ट्रेन स्ट्रीट पर चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। देखना भाई कीजिए और ख्याल मत। चलिए गाइस चलते हैं ट्रेन स्ट्रीट की तरफ, और हमने मोटर बाइक ले ली है। ये देखिए, ये मेरी मोटर बाइक। बड़ा खुशनुमा मौसम है, और ऐसा लग रहा है जैसे अपने इंडिया में विंटर सीज़न रहता है, सेम सीज़न यहाँ हनोई में है। अभी टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, अभी अराउंड 30-14 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, घूमने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और क्रिसमस की तैयारी आप हर तरफ देख सकते हो यहाँ। बाइक सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए चली जा रही है। देखिए सिग्नल बंद है, लेकिन हमारी गाइड धनाधन जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रिसमस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो रखी है यहाँ पे, क्रिसमस की ही। और हमारा क्रिसमस में भी हम हो ची मिन्ह सिटी में रहेंगे उस दिन क्रिसमस वाले दिन, तो बताएंगे आपकी क्रिसमस की पार्टी कैसी होती है यहाँ। और कल नाइट में हम आपको हो ची मिन्ह सिटी का नाइट लाइफ इंजॉय करवाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ चैनल पर गाइस, और इंजॉय करिए हमारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और अच्छा मोटिवेशन मिले आगे नई वीडियो बनाने का। ये देखिए अभी हमारा सिग्नल रेड है, बट हमारे ड्राइवर बिल्कुल टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये चले, ये चले, और ये देखिए सिग्नल, सिग्नल रेड है। देखा सिग्नल रेड है, लेकिन हम रेड पर ही क्रॉस कर चुके हैं। देखा जाए तो यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है, जैसे अपने इंडिया के कुछ शहरों में किया जाता है। हमारे ड्राइवर साहब भी इंडिया वाला जुगाड़ कर रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं नांग साइड से। आप खुद भी बाइक रेंट कर सकते हैं, लेकिन बाइक चलाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए गाइस हम आ चुके हैं ट्रेन स्ट्रीट पर, और चलते हैं हम ट्रेन स्ट्रीट पर दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस हम लोग आ चुके हैं ट्रेन स्ट्रीट पर, और चलते हैं ट्रेन स्ट्रीट की तरफ, और देखते हैं हमें क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। और देखिए जब तक ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को आप इन्जॉय कीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ये देखिए आप, ये देखिए गाइस यहाँ की ट्रेन स्ट्रीट, और ये ट्रेन की लाइन है, और आसपास देखिए सारे पब्स वगैरह ये सब अवेलेबल है। अंकल जी बैठो, एक सत्ता रिफंड आई। देखिए गाइस ये है यहाँ की ट्रेन स्ट्रीट, देख सकते हैं आप, देखने में काफ़ी, और यहाँ पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट एंड बार देखने को मिलेंगे। देखिए देखिए
देखिए रूफटॉप बार भी है यहाँ पे, आप यहाँ भी बैठकर अपनी बियर इंजॉय कर सकते हैं। ये है रूफटॉप रेस्टोरेंट। ये देखिए टॉप व्यू से इसका नज़ारा। देखा गाइस आपने टॉप व्यू से इसका नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है। छोटी सी स्ट्रीट है बट ब्यूटीफुल स्ट्रीट है, तो आप जब भी हनोई आएँ तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। तो देखिए आप दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और इस तरह का एक थाईलैंड में भी मार्केट, लेकिन वो वेजिटेबल मार्केट है। और ये देखिए आप यहाँ पर सब बार्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, और सब टूरिस्ट अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ। ज़्यादा बड़ी स्ट्रीट नहीं है दोस्तों, छोटी स्ट्रीट है। ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पीछे इसका स्ट्रीट का नज़ारा देख सकते हैं आप, स्ट्रीट का नज़ारा। और ये छोटी सी स्ट्रीट है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रीट नहीं है। देखिए दोस्तों हम ट्रेन स्ट्रीट से बाहर आ चुके हैं, और ये बाहर रोड का नज़ारा। यहाँ की स्ट्रीट की एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को, मैं उस साइड से जब इंटर हो रहा था, जब मेरे को एक ऑफिशियल ने इंटर करने से मना कर दिया, बट एक रेस्टोरेंट के ऑनर को आपको बुलाना पड़ेगा या एग्जीक्यूटिव को, तो ही आप अंदर जा सकते हैं। और मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, तो उन्होंने ऑफिशियल ने उधर से मुझे वापस अलाउ नहीं किया वापस जाना, तो बड़ा ही अजीब था। अब मेरा एक फ्रेंड अंदर बाहर में बैठा है और मैं बाहर हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकता। तो चलिए गाइस बुलाते हैं उसको, चलते हैं वापस अंदर स्ट्रीट में। सिल्क होटल ऐसा कर दिया, काफ़ी अच्छा होटल है, और क्रिसमस की काफ़ी सजावट की हुई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सब तरफ क्रिसमस की सजावट मिलेगी आपको यहाँ पर। यहाँ क्रिसमस की सजावट आपको देखने के लिए मिलेगी, और देखने पर ऐसा लगता है यहाँ क्रिसमस काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। देखिए हमारे सामने तो वियतनामी गर्ल खड़ी है। तो चलिए चलते हैं अपन किंग स्ट्रीट की तरफ, और अब आपको मिलते हैं किंग्स स्ट्रीट पे। वो पूरी पार्टी स्ट्रीट है, वहाँ पे कहीं किसी रेस्टोरेंट या क्लब में बैठेंगे, और देखते हैं हमें क्लब में वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस चलते हैं किंग स्ट्रीट पर।